हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस सीरीज में नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस दिसंबर का फर्स्ट पर अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने आपकी जीके अपडेट कर रहे हो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 19 नवंबर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन लिया है 26 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 22 नवंबर या फोर्थ ऑप्शन 16 नवंबर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर। क्योंकि 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसलिए हर वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को ये आपका गणतंत्र दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप अपने कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा हाँ आप लोगों को अपडेट है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया है त्रिपुरा, सेकेंड हरियाणा, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ केरल। उसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के रिगार्डिंग है। तो FICCI ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। फर्स्ट ऑप्शन संजय सिंह, सेकेंड उदय सिन्हा, थर्ड अरविंद ठाकुर या फोर्थ राजेंद्र सिंह पवार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राजेंद्र सिंह पवार। और ये जो फिक्की अवार्ड है वो उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में, ठीक, इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोला जाता है FICCI को। और ये जो राजीव पवार को जो ये अवार्ड दिया गया है ये उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस अपना अपडेट दिया हुआ है IT प्रशिक्षण में टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इसलिए दिया गया। और इस पुरस्कार का जो चयन जो होता है वो एक तरह की जूरी पैनल होता है, उसके द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी पैक पेयजल कंपनी बिस्लेरी को 6-7 हजार करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। फर्स्ट रिलायंस, सेकंड टाटा, थर्ड महिंद्रा या फोर्थ हीरो। उसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने, जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में लगातार अपने गोल किए हुए। फर्स्ट ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड लिया है मैंने लियोनेल मेसी, थर्ड है सुनील छेत्री, फोर्थ पॉल लेबिल पोगबा। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसमें ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। मैं इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, पुर्तगाल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन सी बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से भारत का पहला स्टीकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। IDFC, सेकेंड SBI, थर्ड ICICI या फोर्थ HDFC। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है IDFC। और ये ID स्टीकर है क्या एक्चुअली में? जब आप वैसे तो आप ATM या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके चलते हो, लेकिन ये एक तरह का स्टीकर है जिसको आप अपने पहचान पत्र पर, सेल फोन पर, पर्स, टैब, एयरपोर्ट किसी पे, या घड़ी या रिंग वगैरह जो भी आप चीज़ यूज कर सकते हो, पहन सकते हो, उस पर चिपका दिया जाएगा। और ये बिना पिन के 5000 रुपये तक के लेन देन को बनाता है, ये लेन देन कर सकते हो। अगर उससे अधिक का लेन देन आपको करना है तो फिर आपको पिन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यूज चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि कौन से देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, फर्स्ट भारत, सेकंड अमेरिका, थर्ड रसिया या फोर्थ चाइना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है अमेरिका। ये ओरियन अंतरिक्ष यान क्या है मैं इसके बारे में बता दूँ। इसको फर्स्ट टाइम जब लॉन्च किया गया था तो 5 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ये
उस समय जो ये यान भेजा गया था उसमें कोई भी पर्सन नहीं था, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग नहीं भेजा गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसको सितंबर 2018 में भेजा गया था, सितंबर 2018 में भेजा गया था, ठीक है। और उसके चंद्रमा के चारों तरफ यात्रा की गई थी, उस समय भी इसमें कोई भी मानव नहीं था। उसके बाद ये अभी फिर दोबारा से 2022 में भेजा गया चंद्रमा की कक्षा के लिए, मून मून की परिक्रमा के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो इसमें चार लोगों का दल गया हुआ है, ठीक है। इसमें मानव गए हुए हैं, पहले ह्यूमन बीइंग नहीं थे, जो पहले के भेजे गए 2014 में और 2018 में, तो उस टाइम पे नहीं भेजा, लेकिन अभी जो भेजा गया उसमें ये आपके ह्यूमन बीइंग गई है। वहाँ पे जाके इसको एनालिसिस करेंगे एक्चुअली में क्या क्या वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अनवर इब्राहिम ने कौन से देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? फर्स्ट मलेशिया, सेकंड कतर, थर्ड ईरान या फोर्थ ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में जो लिया है कि पेरू देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? फर्स्ट देनेर कोरेस्ती, सेकंड पेड्रो कास्तेलो, थर्ड है बेटेची साबे चीनो या फोर्थ कीको फुजीमोरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है, अगर आपको पता है राइट आंसर तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन बेटेची साबे चीनो। और यहाँ के इनको जो नियुक्त किया गया वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बेटेची साबे चीनो, वो राष्ट्रपति कास्टेलो, उन्होंने इनको बेटेची साबे चीनो को वहाँ पर नियुक्त किया और राष्ट्रपति के द्वारा। और ये पांचवे, ये पूछा था कौन से नंबर के, पांचवे नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि PSLV C-54 ने किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? फर्स्ट US-06, सेकंड US-01, थर्ड US-09 या फोर्थ US-03। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन US-06। और ये जो PSLV C-54 है, ये इस US-06 के अलावा भी आठ आठ अन्य उपग्रह हैं, ठीक है, उनको साथ लेके गया है। और ये जो लॉन्च हुआ है वो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से हुआ। और जब ये लॉन्च किया गया था उसके बाद 17 मिनट में अपनी जो कक्षा थी वहाँ पे ये पहुँच गया। तो एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग छोटे छोटे पॉइंट एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि कौन सी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता था? फर्स्ट सामंता प्रभु, सेकंड अनुष्का शेट्टी, थर्ड तमन्ना या फोर्थ हंसिका मोटवानी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट सामंता प्रभु। और ये जो मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का जो खिताब दिया है वो ऑर्मेक स्टार्स इंडिया लव है, उसकी तरफ से ये सर्वे किया गया और उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान, सेकंड राजनाथ सिंह, थर्ड कपिल सिब्बल या फोर्थ राहुल गांधी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान। ये केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री हैं। और ये जो बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है ICSR के द्वारा ये मतलब तैयार भी की, उन्हीं के द्वारा बनाई गई, उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। और इस समय ICSR के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रघुवीर तंवर जी हैं। और इस पुस्तक में जो बताया गया है वो अभी जो सभ्यता अपनी जो लोकतंत्र की होती है स्टार्टिंग से अब तक का, उसको बताने का इसमें एक तरह का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि टीवी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन बनी है? विक्रम सिंह मालिक, दीपा मलिक, मोना लिखारा या अरुणिमा सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक मिनट जस्ट, कि किस देश की रेफरी स्टेफनी फ्रोपार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका या जापान।
तो ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करती है, और ये अभी जो कतर में जो अभी इस लास्ट थर्सडे को जो हुआ है जर्मनी और कोस्टारिका के बीच मुकाबला हुआ था, उसमें इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करके भी पूछा सकता है कि किन दो कंट्री के बीच में हुआ था मैच, तब ये फर्स्ट टाइम एम्पायरिंग की थी, तो उसमें कुछ ही पूछा सकता है, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आईओए की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, फर्स्ट पीटी ओसा, सेकंड साक्षी मलिक, थर्ड साइना या फोर्थ मोनी मलिक। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पीटी ओसा। तो पीटी ओसा इसके जो चुनाव हुआ है उसमें निर्विरोध चुनी गई है, और 1982 और 1994 में इन्होंने इसी खेलों में 400 पदक और 11 रजत पदक लिए थे, और 4 गोल्डन और 11 रजत, ठीक है, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध खेल किस राज्य में शुरू हुआ है, और जो युद्ध खेल शुरू हुआ है उसको ऑस्ट्रेलिया 2 के नाम से जाना जा रहा है। तो फर्स्ट राजस्थान, सेकेंड आंध्र प्रदेश, थर्ड पंजाब या फोर्थ जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, और इसको ऑस्ट्रा हिंद इसमें इस तरह पूछ सकते हैं कि जो अभी खेल युद्ध के लिए स्टार्ट हुआ उसका नाम क्या है, तो ऑस्ट्रा हिंद आपको याद रखना, ठीक है। इसमें सभी हथियारों सेवाओं की भागीदारी है, और ये ऑस्ट्रेलिया और जो भारत के बीच में जो स्टार्ट हुआ है 28 नवंबर से स्टार्ट, 28 नवंबर से, तो आपको डेट भी पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है, फर्स्ट कनाडा, सेकंड रसिया, थर्ड जापान या फोर्थ अमेरिका। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है द्विवार्षिक एयर शो इंडिया 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बेंगलोर, सेकंड गाजियाबाद, थर्ड लखनऊ या फोर्थ लंदन। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बेंगलोर है, और बेंगलोर में ये 27 नवंबर को घोषणा की गई थी ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि 27 नवंबर को कि ये 13 और 17 फरवरी को 2023 में ये बेंगलोर के येल हंका वायु सेना स्टेशन में हो, येल हंका वायु स्टेशन स्टेशन है वहाँ पर ये हो, तो इस तरह से आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता है, ये पहली बार जीता है, सिस्टम दिक्कत कर रहा है, कि कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहले बार जो डेविस कप खिताब जीता है, फर्स्ट जापान, सेकंड भारत, थर्ड चाइना या फोर्थ कनाडा। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कनाडा, और ये 121 साल में पहली बार कनाडा ने जीता, और इससे पहले ये इसने जो हराया है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जो 28 बार की पहले की चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया 28 बार इस खिताब को जीत चुकी है, भारत इसमें 3 बार उपविजेता रहा है, और कनाडा ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है वो 2-0 से हराया है, ठीक है। और ये जो डेविस कप है इसको टेनिस के रिगार्डिंग है, टेनिस का वर्ल्ड डेविस कप है, और ये जो कप खेला ये प्रतियोगिता हुई है, जो डेविस कप हुआ है ऑर्गेनाइज, वो स्पेन में हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्लीनेथान का आयोजन कहाँ पर किया गया है, फर्स्ट गोवा, सेकंड केरल, थर्ड तमिलनाडु या फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, फर्स्ट निर्देशक, सेकंड अरिहंत, थर्ड इच्छक या फोर्थ पृथ्वी। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, ये एक सर्वे वेसल लॉन्च है के तहत बनाए जाना है, और इसमें क्या है ये चार बनाए जाएंगे जिसमें ये तीसरा है, ठीक है, अभी 2 बन गए और ये तीसरा उसका चौथा बना, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर और L&T 2 कंपनी है, जो दोनों मिलकर अपने जॉइंट वेंचर के साथ इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन से मंत्रालय के
ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। फर्स्ट बाल विकास मंत्रालय, सेकंड पंचायती राज मंत्रालय, थर्ड शिक्षा मंत्रालय या फोर्थ जनजातीय मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, पंचायती राज मंत्रालय। और ये पंचायती जो ये पंचायती राज मंत्रालय उसमें पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो ई ग्राम स्वराज या ऑडिट ऑनलाइन भी कहते हैं, उसमें डिजिटल को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है और इसमें उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया, इसलिए इनको फर्स्ट प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सभी जिलों में जियो 5G से सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड दिल्ली, थर्ड गुजरात या फोर्थ मुंबई। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, गुजरात। और गुजरात में ही जो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं 33, तो वहाँ पर उन्होंने फिर भी 5G सेवाएं शुरू की। और ये पहले ऐसा बार हुआ है कि पूरा जो स्टेट है गुजरात वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 5G सेवा जो है, और इसी के राइट वहाँ पर जो स्कूल है उनको भी डिजिटलाइज करने की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कौन सी भाषा के लेखक हिमायम को कुमेप्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, उर्दू, तमिल, तेलुगु या हिंदी। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया, शिक्षा आयोग, विज्ञान आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग या योजना आयोग। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, खादी और ग्रामोद्योग। इसमें क्या किया है उन्होंने कि वहाँ के लोगों को अपना स्वरोजगार करने के लिए 330 मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी कॉलोनी और टूल किट वगैरह दिए, जिससे वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सके और अपना पुनर्वास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता, ये कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट मुंबई, सेकंड लखनऊ, थर्ड दिल्ली या फोर्थ गोवा। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय है 100 साल पुराना है, तो इसके जीर्ण उद्धार के लिए यूनेस्को की तरफ से ये मतलब दिया गया है, जिससे कि उसका द्वारा से रिकंस्ट्रक्शन हो सके, वहाँ पर डेंटिंग वेंडिंग होकर उसको फिर द्वारा से बना सके। और इन्होंने इसको विश्व धरोहर के लिए रूप में सराहा भी है कि उसने ऐड किया है, जिससे इसका अच्छे से बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत और किस देश के सैन्य बीच संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास हरिमो शक्त 2022 आयोजित किया जाएगा। फर्स्ट जापान, सेकंड रशिया, थर्ड अमेरिका या फोर्थ मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मलेशिया। और ये इंडिया और मलेशिया के बीच में एक एनुअल मतलब कार्यक्रम होता है और ये 2012 से आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ये 2012 में हुआ था, ठीक है, और हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में कौन से खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फर्स्ट ऑप्शन है शिवम दुबे, सेकंड ऋतुराज गायकवाड़, थर्ड संजय सिंह या फोर्थ अजय महतो। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ऋतुराज गायकवाड़। और ये महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने अभी 7 छक्के तो लगाए थे, उसके साथ ही साथ उसी मैच में इन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई थी, दोहरा शतक भी लगाया था। इन्होंने 159 बॉल में 220 रन बनाए थे, ठीक है, 220 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि आर के सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। फर्स्ट बिहार, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड हरियाणा या फोर्थ दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बिहार। और बिहार के भोजपुरा जिला है, वहाँ के आरा के सदर अस्पताल में किया हुआ। और इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह बताई जाती है 12.68 करोड़ रुपये बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। फर्स्ट मालदीव, सेकंड श्रीलंका, थर्ड नेपाल या फोर्थ, का ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है
53वें IFFI में संस्कृत यानम में कौन सी विज्ञान की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका राइट आंसर है पहली। और इसमें क्या, जो इंडियन इसरो जो अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसने जो मंगलयान मिशन अपना जब का उसको कंप्लीट किया हुआ था, तो ये उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, जो 2013 में उसको लॉन्च किया था, 2013, ठीक है, तो उसी के बारे में ये कि किस तरह से उन्होंने लॉन्च किया था, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी, उसी के बारे में ये अपडेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि इनमें से किसने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है, फर्स्ट शिक्षा आयोग, सेकंड सेबी, थर्ड योजना आयोग या फोर्थ महिला आयोग? इसका राइट आंसर है सेकंड सेबी आयोग। तो इसकी वजह से क्या है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग और ईजी बनाना, और इसमें क्या है कि 20 लोगों की एक समिति बनाई गई है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो पूर्व जो जज होते हैं वहाँ के पहले, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस समिति में, उसके अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, फर्स्ट प्रीति सूदन, मोहित सिन्हा, रोनी अग्रवाल या फोर्थ नेहा मिश्रा? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन प्रीति सूदन, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है, फर्स्ट मेघालय, सेकंड असम, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया है कि मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, गैस लाइटिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड हैमर या फोर्थ नाइफ? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन गैस लाइटिंग। इसका जो मीनिंग होता है वो मोटे तौर पर विशेष रूप से जो होता है कि स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य या अभ्यास के रूप में इसको माना गया है, इसका जो मीनिंग माना गया है, जिससे इसको कहने की पूरी जो पूरा पूरा कंप्लीट ईयर होता है उसमें एनालिसिस किया जाता है किस वर्ड को ज़्यादातर सर्च किया गया है या ज़्यादातर लोगों ने यूज किया है, कुछ हटके यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI में ICFT यूनिवर्स को गांधी पदक जीता है, फर्स्ट ईरान, सेकंड इराक, थर्ड कतर या फोर्थ पाकिस्तान? राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन से देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, फर्स्ट चाइना, सेकेंड रूस, थर्ड नेपाल या फोर्थ ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वहाँ मूंगे की चट्टाने हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई हैं, तो उन्हीं को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किसने हिमालय याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है, फर्स्ट भारतीय आयोग, सेकेंड केंद्र सरकार या थर्ड भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या फोर्थ नीति आयोग? इसका राइट आंसर, जैसे कि इसमें क्वेश्चन से ही लग रहा है कि फूड इसको खाने की मंजूरी दी गई है, तो ये थर्ड ऑप्शन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, क्वेश्चन में ही आंसर छपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, फर्स्ट पंजाब, सेकेंड दिल्ली, थर्ड उत्तराखंड या फोर्थ राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यदि जैसे इसमें जो वर्ड से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड मतलब शांति के लिए जो योगदान अपना दे रहा है, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, आसाराम या मोनका मिश्रा? राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन श्री श्री रविशंकर। अगर दोस्तों अगर आपको नॉलेज अच्छी लगो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वो लास्ट ईयर के एग्जाम में जो पैटर्न होता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको एनालिसिस करते हुए फिर इसका एनालिसिस करते हुए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती है।